स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा स्पीसीज है वह है एक सिंग वाला गेंडा, वन हॉर्न रहनासूर। इस पर 2019 में यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, तो आगे भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, जो ये स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जिससे हाई प्रोबेबिलिटी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं टॉपिक को हम कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया भी लगे कि कैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है। इससे पहले भी आपने वीडियोस देखे होंगे, तो पूरे वीडियो आपको देखने ताकि ये 21 स्पीसीज आपको पूरी तरह याद रहे। और यह है केवल 2021 के अटेम्प्ट के लिए नहीं, 2022, 23, 24 इवन 2030 तक भी रिलेवेंट है, क्योंकि 2012 से अगर हम प्रश्न देखें 2020 तक, आज तक इस पर जो है हर साल यूपीएससी ने इस रिकवरी प्रोग्राम से प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर, जहां अमित जैन रेफरल कोड अप्लाई कीजिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। यह सीरीज न केवल यूपीएससी अपितु स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी, जहां एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए भी उपयोगी है। प्लस प्लेटफॉर्म तथा आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बारे में, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर iesngc.com। टेलीग्राम चैनल लिंक unacademy_amitjain तथा स्पेशल क्लासेस लिंक amitjaindc1785, जहां अभी ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी चल रही है 11th क्लास, इसे आप जो है देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस फ्री हैं, बट पेड कोर्सेज में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल मिलता है, तो आप पेड प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गेंडे के बारे में, बट आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न 2019 का है, एशियाई शेर हम इस सीरीज में पहले कर चुके हैं, तो एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, स्टेटमेंट सही है। एक सिंग वाला गेंडा, देखिए 2019 में इस स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम से दो ऑप्शन यूपीएससी ने दिए हैं, यह अभी हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अदर जो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट है। स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का मतलब केवल यह नहीं स्पीसीज पर प्रश्न, अपितु तो उससे रिलेटेड प्रश्न है। जैसे हम करंट अफेयर्स करते हैं, तो हम जब करंट अफेयर्स करते हैं और करंट को हमने जो है भगवान बना दिया, परंतु यूपीएससी करंट नहीं पूछता है, कोर रिलेटेड करंट पूछता है। अगर एक न्यूज चर्चा में है, उसके आसपास पूरा जानना है। जैसे तिगरे रीजन चर्चा में है इथोपिया, और वह तिगरे रीजन के साथ साथ वहां की जनजातियां भी चर्चा में है, वहां पर समुदाय भी चर्चा में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी देखना है, स्वेज नहर भी देखना, वह होता है करंट को कवर करने का तरीका। न केवल आपको तिगरे रीजन जानना है, और वहां भी यूपीएससी तिगरे रीजन कहां है ऐसा नहीं पूछेगा, अपितु तीन या चार रीजन जो चर्चा में वहां से प्रश्न पूछेगा। तो जो अभी जिनकी जर्नी लंबी है, 5 साल बाद 3 साल बाद उन्हें एग्जाम देना है, उन्हें इस एग्जाम के वह नेचर को समझना होगा, तभी एग्जाम फर्स्ट स्ट्रोक में क्लियर होगा। अदरवाइज पंचवर्षीय और अष्टम वर्षीय योजना बनने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि जो अन्य लोग हैं जो आए हैं एक साल के लिए, वो अष्टम वर्षीय योजना यहाँ बना चुके हैं। उसे रोकने के लिए आपको यूपीएससी के पैटर्न को जो है कैच करना होगा। चलिए देखते हैं, यहां पर एक सिंग वाला गेंडा जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा है। अब इससे पहले हम गेंडों के बारे में जान लेते हैं। विश्व में गेंडों की 5 प्रजातियां मिलती है, जावा गेंडा, सुमात्रा गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, सफेद गेंडा और काला गेंडा, ब्लैक रहनोज। ये जो 3 हैं वह एशिया में मिलते हैं, यह दोनों अफ्रीका में मिलते हैं, भारत में केवल यह एक सिंग वाला गेंडा मिलता है।
जावा और सुमात्रा रहनाओ जो है वो आयुषियन के अनुसार क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यह एक सींग वाला गेंडा जो है वह है वल्नरेबल है। सफेद गेंडा जो है वह है केन्या का जोतो नेशनल पार्क, वहीं पर कन्फाइंड है, तो यह है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और यह सफेद गेंडा सफेद नहीं अपितु वहां जो मिट्टी पाई जाती है व्हाइट होती है, उसमें वह लॉटपॉट होता है, तो उसे जो है हम एज ए व्हाइट स्किन के रूप में देखते हैं, इसलिए उसका नाम है सफेद गेंडा। और एक है आपका काला गेंडा। इसमें से हम यहां पढ़ रहे हैं एक सिंग वाला गेंडा वन हॉर्न राइनोसेरस। एक सिंग वाला गेंडे की बात करें, यह पहले पाकिस्तान से लेकर तराई रीजन होते हुए पूरे म्यांमार तक मिलता था, बट अभी है केवल नेपाल, भूटान व भारत में केंद्रित है। भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में इसकी संख्या, मैक्सिमम संख्या असम में है, बट असम से हमने इनके संरक्षण के लिए ने ट्रांसलोकेट किया, मींस अन्य वन्य जीव क्षेत्र में इनका संरक्षण प्रारंभ किया है, जिसमें हमने इसे यूपी जो है वहां भी ट्रांसफर किया है। यूपी में, यूपी के राष्ट्रीय पार्क हैं वहां पर हमने इसको ट्रांसलेट किया है, तो केवल असम में मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये यूपी में भी है। नेक्स्ट, यह एक सिंग वाला गेंडा जो है वह है असम में सबसे ज्यादा इनकी संख्या मिलती है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो काजीरंगा में क्या है सबसे ज्यादा संख्या, बट इनका एक ही क्षेत्र में अगर हम घनत्व की बात करें, मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ है, वह है पोबितोरा वन्य जीव क्षेत्र जो असम के मडिगांव जिले में है, वहां इनका घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट, यह एक सींग वाला गेंडा जो है वह शाकाहारी है या हर्बीवोर है, कार्निवोर नहीं। यह एक सींग वाले गेंडे के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम, इनके संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं या कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं। तो इनके संरक्षण के लिए असम सरकार के द्वारा 2005 में इंडियन रहिनो विजन 2020 जो है चालू किया गया था, अन्य जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से, जैसे इंटरनेशनल रहिनो फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इनके सहयोग से रहिनो विजन 2020 जो है चालू किया गया था, जिसके तहत इन गैंडों की संख्या, एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 2020 तक जो है 3,000 करने का लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा भारत में एक सींग वाले गेंडों के लिए जो है अन्य कार्यक्रम की अगर हम बात करें, तो कार्यक्रम था राष्ट्रीय राष्ट्रीय रहिनो संरक्षण रणनीति, नेशनल रहिनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इसके तहत भारत और नेपाल एक्टिवली एंगेज होते हुए, ट्रांस बाउंड्री जो इनका मूवमेंट होता है उनको संरक्षित करते हुए इन एक सिंग वाले गेंडों की संख्या को बढ़ाना था, तथा अच्छे प्रबंधन के तौर पर जो है इनका प्रबंधन करते हुए, इनके माइग्रेटरी कॉरिडोर का संरक्षण करते हुए इनकी संख्या को जो है बढ़ाना था, यह एक रणनीति थी। इसके बारे में यह जानना है केवल भारत में नहीं, भारत, नेपाल व भूटान। नेक्स्ट, केवल असम में नहीं, असम के अलावा यूपी में भी, क्योंकि हमने इसको ट्रांसलोकेट किया, हर्बीवोर है, आयुषिन के अनुसार वल्नरेबल है, आयुषिन के अनुसार वल्नरेबल है। अब अगर हम यह यूपीएससी का प्रश्न देखें, तो यहां पर यह हमें पिछले लेक्चर से मालूम है, यह हम हटा सकते हैं, अगर हम तीन हटाते हैं तो आंसर यहाँ ए और बी बचता है। अब यहां पर अगर हमें दो नहीं भी मालूम है तो हम आंसर कर सकते हैं केवल एक, और इसी तरीके से प्रिलिम्स को उत्तीर्ण किया जाता है।
आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर 4 साल हो गए सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस था इस बार की प्रॉब्लम निकल जाएगा, बट कहीं ना कहीं फॉल्ट है। नॉलेज में फॉल्ट नहीं है। जब हम फैक्ट जो है चेक करते हैं, ये चेक करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे सब कुछ आता है, बट यूपीएससी में पता नहीं क्या हो जाता है। यूपीएससी में होता कुछ नहीं, हिंदी माध्यम के साथ भी यही है। सेल्फ स्टडी करता है, नॉलेज बहुत है, बुक्स भी बहुत पढ़ता है, बट कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजी, कहीं ना कहीं इस एग्जाम को लेकर क्या कंसेप्ट होना चाहिए, कैसे उस क्वेश्चन को टेकल करना चाहिए, वहां पर वह फॉल्ट कर जाता है। जो उस स्टूडेंट ने कहा वह मैक्सिमम की प्रॉब्लम है, जो 3 या 4 साल बाद देंगे वह इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, बट अगर वह जितना जल्दी समझ जाए उतना ही आसानी से वह एग्जाम निकाल सकते हैं। और उस एक थॉट को मैंने यहां दिया, इसका आंसर था केवल एक। बट अगर मैं फैक्ट वाइज बताऊं, जो दो कुबड़ वाला ऊंट है वह है मंगोलिया, और भारत में जो आपका नुब्रा घाटी है वहां मिलता है। तो वहां से इसने प्रश्न पूछा। अगर आपको यह नहीं भी आता था, अगर आपने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम पढ़ा होता तो आंसर हो जाता। अब जब मैंने काजिरंगा बोला तो यहां पर देखिए 2013 में काजिरंगा पर जो है प्रश्न पूछा है, काजिरंगा से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, मनास नहीं निकलती है। तो अगर वहां यह इस तरह आता तो आप अपनी आंसर करने की प्रोबेबिलिटी को 75% कर सकते हैं, और ये एग्जाम इस प्रोबेबिलिटी का है। ये तुक्का नहीं है, एक अप्रोच है कि आप कितना नजदीक कट ऑफ के पास पहुंचते हो। हमेशा हमारा एक प्रश्न दो प्रश्न से प्रीलिम्स रुकता है। अभी एक मेरे पास स्टूडेंट आई है, 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। अब उसने कहा कि सर हर साल लगता था एक क्वेश्चन छूटा, दो क्वेश्चन, इससे प्रीलिम्स रुक रहा है। बट वह एक दो प्रश्नों को ही समस्या से आपका हमेशा प्रीलिम्स रुकेगा। आपका ऐसा नहीं कि 10-15 मार्क्स से, उस एक दो प्रश्न पर कंट्रोल करने के लिए हमें उस थॉट पर विचार करना होगा, और वह थॉट जब तक नहीं बनेगा प्रीलिम्स उतना ही मुश्किल होता जाएगा। प्रीलिम्स केवल और केवल पढ़ाई का खेल नहीं है, और यह मैं दावे से कह सकता हूं क्योंकि यहां से ऑफलाइन क्लासेस से द कोर जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां से हिंदी माध्यम का निकला है, जहां कई लोगों ने 8 या 10 महीने की तैयारी में भी प्रीलिम्स निकाला है। वह इसलिए नहीं कि उनको नॉलेज है, अपितु इसलिए प्रश्न करने का जो है तरीका मालूम है, और ये थॉट धीरे धीरे बनता है, एक या दो क्लास में नहीं बनता। उस थॉट को आपको सीखना है। तो यह जो था वह काजरंगा, यह जो था वह एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाला गैंडा हमने नहीं पढ़ा, उसके विश्व में प्रजातियां, उसके बारे में, तथा भारत में कहाँ था, ये सब कुछ पढ़ा। और इससे मेरा यह भी मकसद है, जैसे जब शुरू में ही मैंने पढ़ाया था स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, तो मैंने कहा था कि स्पीसीज नहीं, यूपीएससी को पहचानना है। वह कैसे प्रश्न पूछता है, इस सीरीज के माध्यम से वह हमें देखना है। आई होप कि वह पार्ट क्लियर हुआ होगा, बट यह जो है बेसिक नहीं है, अपितु तो आपको बेसिक अपनी तैयारी के लिए आप अन अकेडमी जो है ज्वाइन कर सकते हो, जहां इस तरह का आपका थॉट बनेगा। मेरे प्लस कोर्स, अदर के प्लस कोर्स भी आप ज्वाइन कर रहे होंगे, जहां 1 ईयर की फीस जो है प्लस प्लेटफॉर्म की, जहां लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल उपलब्ध है, उसकी 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर फीस 72,000। आप अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ मिलेगा 1 ईयर पर, फीस हो जाएगी 44,550। अमित जैन कोड केवल यूपीएससी के लिए नहीं, अब तो आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो वहां भी, तथा अन्य अनअकैडमी के कोर्सेज के लिए भी यूज कर सकते, तथा 2 ईयर फीस 72,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% ऑफ, फीस 64,800। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहां पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा, उसकी 1 ईयर की फीस 64,000। अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 57,600, 2 ईयर फीस 99,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 89,100। जीएस के अलावा अनअकैडमी के द्वारा स्पेशल
जो है ऑप्शनल के लिए भी कोर्सेज चालू किए गए हैं, जहां 44 ऑप्शनल जिसमें से आपको एक चूज करना होता है वह यहां करवाया जाए। इसे भी आप अमित जैन रेफरल कोड के द्वारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑप्शनल की जो है तैयारी करवाई जाएगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप unacademy_amitjain तथा स्पेशल क्लासेस जो फ्री है, कैसे अनअकेडमी पर क्लास होती है, कैसे करना है वह कर सकते हैं, और इसी माध्यम से आप अपने प्रिलिम्स के थॉट को जो है क्लियर कर सकते हैं कि प्रिलिम्स कैसे निकालना है। आपको एक अटेम्प्ट निकालने के लिए जो है वह प्रयास करने के लिए उस थॉट प्रोसेस को सीखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और जो है किस थॉट वे में ले जाना है। आई होप कि ये जो स्पीशीज प्रोग्राम सीरीज है उससे आपका ये थॉट बन रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस पार्ट को छोड़ना है, आपको 10% जो पार्ट पढ़ना है और वह कैसे पढ़ना है उसकी पहचान करनी है, उसी के द्वारा आपका यूपीएससी क्लियर होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अन्य स्पीशीज जो है उसको लेकर हम पूरा पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।